देखिए, कुछ रिश्ते जो है वो खून के होते हैं, कुछ रिश्ते दिल के होते हैं। और जिस रिश्ते को आप दिल से स्वीकार कर लेते हैं ना, जब उस रिश्ते से आपको दूर कर दिया जाता है, तो यकीन मानिए दिल कचोटता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है वंदना के साथ। जी हाँ, बातें कुछ अनकही में, कुणाल ने वंदना और तारा को दूर दूर कर दिया है, और ऐसे में वंदना का दिल चकनाचूर हो गया है। वंदना की एक प्यारी सी कोशिश है, एक कोशिश ये कि वो तारा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट ला सके। अब भाई अचानक से न जाने कुणाल को क्या हो गया कि उसने ये फरमान जारी कर दिया। कुणाल ने कहा है कि ना तो तारा वंदना से मिल सकती है और ना ही वंदना तारा से मिल सकती है, जबकि वो जानता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे कुणाल ने तो कह दिया है कि मुझे अलाउड ही नहीं है तारा से मिलना, और तारा को भी कह दिया है कि वंदु से नहीं मिल पाओगे आप। तो बहुत बुरी डिफिकल्ट सिचुएशन है हम दोनों के लिए, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। मैं कोशिश कर रही हूँ कि तारा से बिना मिले मैं उसे खुश कैसे करूँगी। और रही बात वंदना की, तो उसकी जिंदगी में तारा ना खुशियां लेकर आई है। तो ऐसे में जब उसे पता चला कि वो तारा से मिल नहीं सकती है, तब देखिए कितना बढ़िया उपाय किया है। So, एक प्यारा सा स्माइली बनाया है और बस कोशिश कर रही हूँ कि वो खुश हो जाएगी, और एक प्यारी सी लोरी गा रही हूँ मैं तारा के लिए। अंधेरे में उसने रोशनी की मुस्कुराहट कायम की है। ऊपर से तारा इस रोशनी वाले स्माइली को देख रही है और मुस्कुराने की कोशिश कर रही है। हे बेचारी तारा अकेली है, तो वंदना उसे लोरी सुना रही है बिना उसे देखे। अब भले ही वो माँ नहीं है, लेकिन एक माँ का दिल तो है ना वंदना के दिल में। फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया है कि अब जब ये दूर हुए हैं तो इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन हो गया है वंदना और तारा के बीच, और इस मोमेंट पे वंदना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कुणाल सर के साथ क्या रिश्ता बनेगा उसका, या बाकी किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ। उसे सिर्फ जिस इंसान से फ़र्क पड़ता है वो है तारा, बिकॉज वंदना का अपना दर्द है, वो कभी माँ नहीं बन सकती, और उसे तारा मिल गई है। तो एक माँ का प्यार देने के लिए और एक बच्ची का जो प्यार होता है वो उसे तारा से मिल रहा है। सो दे आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर। मुझे लगता है तारा की लाइफ में जिस चीज़ की कमी थी वो वंदु पूरी कर रही है, और वंदना की लाइफ में जो कमी थी वो तारा पूरी कर रही है। अब कुणाल से हम यही गुजारिश करेंगे कि भाई आपने जो फरमान जारी किया है ना, उसे वापस ले लो, क्योंकि ये दोनों एक दूजे के बिना रह नहीं पाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुबारक हो भाई हमारी प्रीता बहू अब सासू माँ जो बनने जा रही है। दोनों ही बेटों की शादी फिक्स हो गई है, राजवीर की पलकी के साथ और शौर्य की शनाया के साथ। तो अब तो घर में बजेगी डबल शो। अरे वाह, कुलदीप जी बहुत अच्छी खबर सुनाई।
रिश्ता आया है भाई, रिश्ता आया है, राजबीर का रिश्ता आया है। राजबीर के साथ अब शौर्य भी घोड़ी चढ़ेगा और इस खुशखबरी से प्रीता सबसे ज्यादा खुश है। मुंह मीठा करा रही है और कराए भी क्यों ना, आखिर उसके बेटों की शादी होने वाली है। बहुत खुश हूँ। सृष्टि को भी तू और पलकी कितने क्यूट लगते थे साथ में, वही हो गया जो सृष्टि चाहती थी और मैं भी यही चाहती थी। मैं तो जब भी पलकी और तुझे साथ में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि रब ने बना दी जोड़ी। Course, वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो भी हमेशा से ये देखती आई है कि राजवीर कहीं ना कहीं पलकी के लिए कुछ फीलिंग्स रखता है और पलकी भी रखती है। तो जैसे ही हमें ये रिश्ता आया तो हम लोगों ने हाँ कर दिया। एक खुशखबरी जब खुद चल कर आती है तो भाई एक खुशखबरी किसे अच्छी नहीं लगेगी, और ये खुशखबरी लूथराज खुद लेकर आए हैं शनाया और पलकी के घर। अब भाई बड़े घर से रिश्ता आया है। जिसके घर में दो दो बेटियां कुंवारी बैठी हो और उनके घर बड़े खानदान से रिश्ता आए तो कौन खुश नहीं होगा। मेरे लिए वेल, शनाया के लिए रिश्ता आ रहा है, लूथराज आ रहे हैं, तो शनाया बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो ऑफिशियली वो घर पे आ रहे हैं शौर्य का रिश्ता लेके उसके लिए। सो शी इज़ वेरी हैप्पी। दलजीत तो आज इतनी खुश हो गई है कि उसके पैर जमीन पर नहीं है और खुशी के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। मॉम को शॉक लग गया, वो खुशी से ना वो ऐसे हो गई है, लाइक फ्रोज हो गई कि मतलब ये फ्रीज हो गई, क्या हो रहा है ये, कि तो सच में रिश्ता लेके आ गए, उनको लग रहा है कि कोई सपना वपना तो नहीं। तो शी इज़ हैप्पी। वो ही चाहती थी कि बड़े घर में रिश्ता हो उसका, दैट्स वॉट शी वॉन्टेड, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है और इस वक्त शॉक में है। दलजीत जी खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही है। अब दलजीत जी वैसे भी आप कुछ मत बोलिए, आप बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप बोलेंगी तो लोग उल्टा समझेंगे और इस उल्टे का न जाने क्या उल्टा हो जाएगा, एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। आप आइए बैठ जाइए। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो इससे पहले हम ही बता देते हैं कि देखिए दर्शकों, शौर्य का रिश्ता शनाया के लिए आया है और पलकी का राजबीर के लिए। और अगर आपकी पलकी मेरे घर में बहू बनके आई तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे होगी। हम लोग शौर्य, शनाया और राजबीर और पलकी का रिश्ता लेके आए हैं, दो दो खुशखबरियां एक साथ, तो हम लोग बहुत खुश हैं। अब ये बताना इसलिए जरूरी था कि क्योंकि कुछ लोगों को घर में कंफ्यूजन चल रहा था। अब जब पता चल गया है तो दिल खोलकर शादी की तैयारियां कीजिए। कल हम शौर्य और शनाया का लूथरा हाउस में जल्द ही रोका होने वाला है और इस मौके पर निधि को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। और इतना तय है कि इस फंक्शन में फिर से गुंडे जरूर आएंगे या कोई न कोई किडनैप होगा। अब पता नहीं, रोके में कुछ होना तो चाहिए, बिकॉज हमारे कोई ऐसे फंक्शंस होते ही नहीं है ना जहाँ पे कुछ ना हो, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। ये दोनों शादियाँ जो होंगी वो लूथरा हाउस में होंगी, तो कहीं ना कहीं करण और प्रीता की जो आँख मिचोली तब से चल रही है वो आप लोग को यहाँ पे भी देखने को मिलेगी बहुत बार। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आ रहे हैं कड़क सिंह Z5 पर और पंकज त्रिपाठी की फिल्म हो तो जाहिर सी बात है कि हर कोई जो है उत्सुकता से इंतजार करता है। पंकज त्रिपाठी के साथ इस फिल्म में संजना भी नजर आएंगी और गोवा फिल्म फेस्टिवल में जब ये फिल्म पहुंची और इसके साथ पहुंचे दोनों ही कलाकार, तो इनसे खास मुलाकात तो बनती है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा इधर आए और फोकस करें।
कैमरामैन फोकस करें, ये है गोवा। SBS Originals पहुंच गया है गोवा, लेकिन अकेले नहीं बल्कि Z5 पर आने वाली फिल्म कड़क सिंह की कास्ट यानी कि पंकज त्रिपाठी और संजना संगई के साथ। अब यहाँ ये अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए हैं, लेकिन हमसे बातचीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और ये संजना है, और इस वक्त हम लोग हैं इफ़ी गोवा में, जो हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, वहाँ पे हम अपनी फिल्म को स्क्रीन करने आए हैं। कल हमने ट्रेलर लॉन्च किया और आज उस फिल्म से संबंधित बात करेंगे। फिल्म का नाम कड़क सिंह है। आगे ओवर टू संजना। और सर ने जो बोलना था बोल दिया है, तो अब हम बातचीत शुरू करेंगे। एक साल पहले ही एग्जैक्ट हमने शूटिंग शुरू की थी और अब फिल्म प्रीमियर भी हो रही है, और जब आई थिंक मजे आ रहे होते हैं तो समय का पता नहीं चलता है कितना जल्दी निकल गया। हाँ, तो इस फिल्म में हमें मालूम नहीं चला, हर दिन फिल्म हमारे हाथ से छूटती गई और अब आपके तक पहुंच गई है। अब बात करते करते हम थोड़ा इधर घुमाएं ताकि गोवा देख सकें, हम लोग समंदर देख सकें। तो अब आप, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा इधर आएं और फोकस करें। एक है वो बोलता है ना, फोकस करें कैमरामैन फोकस करें, ये है गोवा और ये है संजना और मैं हूँ पंकज। अब इस फिल्म की बात की ही जा रही है तो हमने भी जानना चाहा कि उनके जीवन में कौन रहा सबसे कड़क। समय कड़क रहा है मेरी लाइफ में, लोग नहीं। समय ही कड़क होता है और समय ही मुलायम होता है, आदमी तो वैसा ही होता है। बताओ जी, कड़क क्या रहा है? चाय रही है, दिल्ली से हूँ तो चाय हमेशा कड़क मिलती है। और आई थिंक अपॉर्चुनिटीज कड़क रही हैं, दैट्स बीन वन थिंग दैट्स बीन ग्रेट। पर ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे फिल्म में कड़क का मतलब थोड़ा अलग है। कड़क एक बेटी अपने पिता को बुलाती है फॉर रीजंस दैट यू विल गेट टू नो। अब हाल ही में इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया और पंकज त्रिपाठी ने इसे अपनी कविता से शुरू किया। कविता रितेश शाह ने लिखी है, जो हमारे राइटर भी हैं, और वो कविता अब फिल्म में भी इस्तेमाल हुई है और कहीं ना कहीं फिल्म के कुछ हिस्से को, कुछ बात को, ओवर और थॉट को वो कविता बयां करती है, तो इसलिए कल उसका वो कविता पाठ किया हम सब ने। मज़ा आएगा ऑडियंस को। मेरे लिए अलग है कि मुझे एक अलग किस्म का रोल करने को मौका मिला। मेरे सेफ इंस्ट्रूमेंट इसमें मैंने नहीं बजाए हैं, थोड़ा मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट करने का और एज पे चलने का मामला था कि मैं फिसल सकता था, वो टोनी दाने संभाल लिया। और बहुत सुंदर काम है संजना का, आपको रुलाएंगे ये देख के, जो बाप बेटी की बॉन्डिंग है। एक संवाद है ट्रेलर में, आपने देखा होगा कि तुम पता नहीं मेरी बेटी हो या नहीं हो, पर जिसकी भी बेटी हो बहुत अच्छी हो, तो समझ लो वो आत्मा है वो लाइन भी अपने आप में। अब जब हम वहाँ पहुँचे ही थे तो हमने पंकज जी से उनके स्टाइल के बारे में भी जानना चाहा, जिसका श्रेय उन्होंने सुनिए किसे दिया। अरे वो हमारी धर्म पत्नी विनीत है ना, उधर हमारा लुक वाला, ये विनीत है। इसी के साथ इफी में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में कई सितारों ने अपना जलवा बिखेरा, जिसमें आपको माधुरी दीक्षित अपने हिट गानों पर थिरकती हुई दिखाई दी, तो वहीं नुसरत की भी अदाएं देखती ही बनी। पंकज त्रिपाठी के साथ साथ करण जौहर भी पहुंचे सारा अली खान के साथ अपने आने वाली फिल्म ऐ वतन मेरे वतन को प्रमोट करने। वहीं विजय सेतुपति भी अपनी आने वाली रिलीज गांधी टॉक्स को प्रमोट करते हुए दिखाई दिए। अब अच्छी बात तो ये है कि इफ़ी में इस साल से OTT अवार्ड्स भी शुरू होंगे, ताकि बेहतरीन काम को सराहा जा सके। वेल, इस पूरे प्रमोशन के दौरान का नज़ारा तो देखते ही बना। वहीं जाते जाते सुनिए क्या कहा संजना और पंकज त्रिपाठी ने। देखिए, ये फिल्म कड़क जो है ना, खाने से तुलना भी होती है पॉजिटिव सेंस में, कि बहुत कड़क दाल बनी है, बहुत कड़क खाना है, तो ये फिल्म खाते खाते बनी है। टोनी दा ने बोला था कि हम खाना खाएंगे बंगाल में चल के कोलकाता में, और खाने से जो समय बचेगा उसमें फिल्म बनाएंगे। तो जो खाने से बचे हुए समय में बनी हुई फिल्म कड़क सिंह है, जिसमें खाने की तरह इमोशन है, स्वाद है, तिखापन है, नमक है, सब कुछ है। वेल, पंकज त्रिपाठी के चाहने वालों के लिए नज़ारा किसी ट्रीट से कम नहीं होगा, और अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है और पिक्चर अभी बाकी है। गोवा से कैमरा पर्सन आतिश कामले के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया इसे कहते हैं फिल्मी होना और ओवर फिल्मी होना। आप देखिए ना, राधा मोहन में वो पूरा हाईजैक वाला प्लॉट चल रहा है, ये तो आप जानते हैं। एज इफ टू से ये यहाँ पर मेलोड्रामा की कमी थी कि भैया इस हाईजैक के दौरान ही करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। हमारी राधा बहू बंधी होने के मतलब हॉस्टेज होने के बावजूद कहती है नहीं, मैं सुहाग की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी, और रखती है। लेकिन उसके बाद आता है ट्विस्ट। जी हाँ, जो हाईजैकर्स हैं वो कहते हैं कि अगर तुमने अपना ये व्रत खोलना है तो मांस खाकर खोलना होगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, पूरी प्लेन में हाईजैकर्स का सारा कंसंट्रेशन राधा बहू पर ही क्यों है? खैर नेवर माइंड, यू वॉच दिस सीन। इस दूर हटाइए, क्या लेकर आए हैं आप? कि हम वेजिटेरियन हैं ना, हम ये सब नहीं खाते। पर आज खाना पड़ेगा। करवा चौथ के दिन एक सुहागन को अपना व्रत तोड़ने के लिए अगर मांस का टुकड़ा दिया जाए खाने के लिए तो ये कितना अनर्थ है। लेकिन क्या करे, अब ये अनर्थ हो रहा है राधा के साथ। इस दूर हटाइए, क्या लेकर आए हैं आप? दूर हटाइए ना। बताया था आप लोगों को कि हम वेजिटेरियन हैं ना, हम ये सब नहीं खाते हैं। पर आज खाना पड़ेगा। वो राधा जो शाकाहारी है और आज तो उसने मोहन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अब मैडम एक्स चाहती हैं कि अगर मोहन की जान तुम्हें बचानी है तो भाई ये मांस का टुकड़ा तुम्हें खाना ही पड़ेगा। राधा का करवा चौथ भी है और वो प्लेन पे ही निभा रही है, तो मून देखती है, फिर वो छन्नी की जगह पे वो अपना दुपट्टा यूज करती है मोहन जी का फेस देखने के लिए। और जैसे मोहन जी पानी पिलाने वाले होते हैं तो मिस्टर एक्स कहती है कि नहीं, इनके लिए खाना है, आप इनको खाना खिलाकर इनका व्रत खोलिए। पर जैसे ही खाना आता है, आप सबने जैसे देखा कि चिकन होता है उसमें, और ये लोग तो प्योर वेजिटेरियन है त्रिवेदीज, ये लोग बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। और उन्होंने बोला है, मिस्टर एक्स ने कहा है कि अगर चिकन नहीं खाओगी तो मोहन जी को गोली मार देंगे। तो बस अब राधा ना ये कर पा रही है ना ठीक से वो कर पा रही है, उसको खाना तो है नहीं पर मोहन जी की जान बचाने के लिए उसको खाना पड़ेगा। अब जब सावित्री अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ गई थी, तो भाई यहाँ पर ये राधा है, अपने पति को बचाने के लिए आतंकवादी से तो भिड़ ही सकती है, और वो भिड़ेगी भी, खुद भी बचेगी, अपने परिवार को भी बचाएगी और इन आतंकवादियों की वाट भी लगाएगी। इन आतंकवादियों को नहीं पता कि इनका पाला टीवी की बहुरानी से पड़ा है, जो कि एक बार ठान लेती हैं तो उसे खुद ईश्वर भी आकर मना नहीं कर सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार ना हो, अपने घर वालों से बात करें। अक्सर होता क्या है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ना फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बात नहीं करते, विद द रिजल्ट जब बड़े बुजुर्गों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो परिवार बात करे या ना करे, आस पड़ोस वाले खूब बातें करते हैं, तो उनकी चुगलियों का सबब ना बने। जी हाँ, चुगलियां सुननी है चुगलखोर आंटी की, सुने और घर परिवार वालों आपस में बात करते रहे। लो भाई मैं आ गई और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ छिड़ गई है ईशा और अक्का साहेब के बीच की जंग, और इस जंग में सभी भी फंसेगी क्योंकि अक्का साहेब को सभी से भी तो चिड़ है। अब बड़े ही मुश्किल से ईशा ने दोबारा बनाई थी ईशान के दिल में जगह, लेकिन अक्का साहेब ने तो ठान लिया है उसे ऐसा नहीं करने देंगी, और ईशा के साथ साथ वो सभी को भी उसकी जिंदगी से निकाल कर ही दम लेंगी। तभी तो सभी ने जो पेंटिंग बनाई थी उन्होंने रातों रात उसे खराब कर दिया। अब अक्का साहेब तो दोनों को अलग करना चाहती हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रही हैं कि उनकी वजह से ही
ये एक हो जाएंगे, क्योंकि सीरियल की कहानी ऐसे ही तो आगे बढ़ेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है तापिश और डिंपल का, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग कुछ लोगों को रास नहीं आई। अब बदला लेना था तो ये वीडियो पहुंचा दिया गया सभी घर वालों के पास, जिसे देखकर अनुज और अनुपमा काफी शॉक हो गए हैं। अब अनुपमा और अनुज तो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर इसे बा ने देख लिया तो कहीं उनकी तबीयत और ना खराब हो जाए। अब इस वायरल वीडियो को देखने के बाद डिम्पी क्या कदम उठाएगी, ये वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगली चुगली लाए हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की। अब अंगद साहिबा की मुसीबतें तो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि ये जो सनी नाम की बला है उसने इनकी नाक में दम जो कर रखा है। अब घर में वही डायमंड मिल गया है जिसकी डिलीवरी किसी और को कर दी गई थी, और झूठ बोलने की वजह से साहिबा और अंगद अपने ही घर वालों के सामने झूठे साबित हो गए हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि, जहाँ अनजाने में ही सही लेकिन टकरा रहे हैं अरमान और अबीरा, वहीं दूसरी तरफ टूट जाएगा रूही का दिल, क्योंकि अरमान जो नहीं आया। अब सीरियल की कहानी में ड्रामा ना हो तो मजा भी तो नहीं आएगा। कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा तब जब अबीरा को पता चलेगा कि अरमान ही है वो वकील जो युवराज का केस लड़ेगा। अब इनकी टकरार के बाद ही तो ये एक होंगे, और वो कैसे होंगे ये वाकई में देखने लायक होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल चांद जलने लगा की। अब मिस्टर मलिक और तारा फंसे हुए हैं स्टोरेज रूम में, लेकिन यहाँ उन्हें बचाने पहुंच गया है उनका घोड़ा बादशाह। मुसीबत तो वही है, लेकिन इनके लिए एक उम्मीद की किरण जाग उठी है, और मिस्टर मलिक जाना चाहते हैं बाहर। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा कि ये दोनों एक दूसरे को संभालते हुए नजर आएंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब प्यार तो है, लेकिन इसका एहसास दोनों को ही नहीं है, तभी तो आंखों ही आंखों में अगस्त्या और इमली के बीच टशन देखने को मिला। लेकिन इनकी टकरार प्यार में कब बदलेगी, इसका इंतजार तो सभी फैंस को भी है। अगली चुगली लाई हूँ जी टीवी के सीरियल एक कुड़ी पंजाब दी की, जिसका हाल ही में हुआ स्क्रीनिंग। अब इस खास दिन पर पूरी टीम एक साथ नजर आई, और इनको एक साथ देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। अब जब ये एक साथ है और सीरियल फाइनली ऑन एयर होने वाला है, तो इनकी एक्साइटमेंट साफ दिखाई दी। मुझे तो गूज़बम्स आ गए, व्हाट अबाउट यू? मुझे मेरी हीर जितनी ऐसे सुंदर लगती है, इससे डबल ट्रिपल सुंदर लग रही थी। आई लव एंड मेरी पूरी फैमिली, मेरा बेटा हाय, और मेरी बहू हाय कितनी प्यारी है, और हमारे पति देव जी ये हमारे परिवार का हिस्सा है, आजा। ये साडा परिवार, मैं बुला रही हूं तुझे। एंड ये हमारे बता नहीं सकता मैं कितनी खुशी। कौन मुझे बोल रहा है परिवार का हिस्सा? मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी। देखो मुझे भी बहुत पसंद है, पर ऑन स्क्रीन मुझे इसे थोड़ी सी नफरत करनी पड़ेगी, बट आई लव हिम सो मच। हम कितने देर से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, इतनी मेहनत की है हमने, हम पता नहीं कितनी कितनी जगह गए हैं, क्या क्या किया है, पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर, ऊपर बाइक के अंदर, देन वी हैड अ सीक्वेंस वेयर वी हैड टू यू नो गो इनसाइड दैट मार्केट। That market was such a difficult and challenging task. वो हमने पूरा किया, and today is the day when the fruits are being distributed to everybody. ABP News, आपको रखे आगे। सीरियल शिव शक्ति। भैया यहाँ पर शिव क्या चाहते हैं हम तो समझ पा नहीं रहे, लेकिन हमें लगता है शिव खुद नहीं जानते, क्योंकि उनको एतराज है। भाई शक्ति के इनकार से भी एतराज है और इकरार पर भी एतराज है। तो भैया पहले तो आप डिसाइड कीजिए आप क्या चाहते हैं, बाद में शक्ति से पूछिएगा कि वो क्या चाहती है। बोलो शक्ति, क्या तुम उनसे प्यार करती हो? Do you love me? No.
नहीं जानती शक्ति, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। राक्षस हूं मैं, हैवान हूं मैं। शिव का दिल जल रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि शादी करने के लिए शक्ति ने हाँ कर दी है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुश हो या नाराजगी जताए क्योंकि उसकी लड़ाई खुद उसी के साथ है। शिव अपने आप को पहचानता है, अपने आप को जानता है। शायद यही वजह है कि शक्ति के साथ शादी करने के लिए वो तैयार नहीं है। तुम नहीं जानती शक्ति, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। राक्षस हूँ मैं, हैवान हूँ मैं, मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं। अब शक्ति तो शिव से प्यार करती है, इसीलिए जब चाची जी रिश्ता लेकर आई तो उसने हाँ कर दी। शक्ति की हाँ ने शिव को एकदम से बदल दिया। वो आया है यहाँ पर ये पूछने के लिए कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। बताओ शक्ति, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? बोलो शक्ति, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? Do you love me? इसीलिए तो शिव बहुत गुस्से में है। जब शक्ति और शिव की बात हो चुकी है इस बारे में कि ये शादी नहीं होनी है, तो फिर चाची वहाँ कैसे पहुँची? तो शिव को लगता है कि शक्ति ने उसे क्यों नहीं बताया। आप भी देखिए शिव, शक्ति तो आपको उसी दिन से प्यार करने लग गई थी जब आपने एक लड़की का सम्मान किया था, उसकी जो सोच थी उसका स्वागत किया था, औरतों को लेकर आपके मन में जो इज्जत है, उन सब बातों ने शक्ति का दिल जीत लिया था। अब शक्ति को ये नहीं पता कि शिव की नाराजगी क्यों है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन शिव इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पता है कि शिव का पास्ट क्या है, उसे पता है कि वो क्यों नहीं रहना चाहता किसी के साथ भी, शक्ति के साथ नहीं किसी के साथ भी, क्योंकि उसे पता है कि इस रिश्ते में सिर्फ दर्द मिलेगा और शायद वो शक्ति को वो दर्द नहीं देना चाहे। अब बचपन का एक डर है जो अभी भी शिव के दिल में घर करके बैठी हुई है। शक्ति, बस आपको उसी डर को निकालना होगा, फिर उसके बाद देखना शिव और शक्ति को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।